Guys, welcome to the Sibling Squad Stories. Happy New Year! Hi guys, welcome to the Sibling Squad Stories. एक नया व्लॉग लेकर हम कसम से क्योंकि हम एक तो शादी अटेंड कर रहे थे रिलेटिव्स में, ऊपर से सब बीमार हुए थे जब से लाहौर से आए हैं हम लोग। पता नहीं लाहौर में क्या था ऐसा कि हम सब हमारी पूरी फैमिली बीमार हो गई थी और बहुत ज्यादा मतलब फ्लू और ये सब इस वजह से जब से हम नसीम शाह से मिल गए हमें बुखार और फ्लू वगैरह चल रहा था तो इस वजह से हम व्लॉग वगैरह शूट नहीं कर सके। लेकिन मैंने किया था क्यू एन ए बहुत पहले लगाया था अपने इंस्टाग्राम पर, पूछा था कि आप हमसे वन के स्पेशल क्यू एन ए आप हमसे क्वेश्चन पूछे, हम आपको आंसर देंगे, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए थे सबने, मेरे जितने भी फॉलोअर्स वगैरह थे सबने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो उसकी फाइनली वीडियो आ गई है आंसर्स की। तो ज़्यादातर मतलब मैंने 1K का बोला था तो ज़्यादातर लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन ही लिखा हुआ है, तो पहला भी कॉन्ग्रेचुलेशन ही है। और उसके बाद है एक क्वेश्चन नहीं है लिखा हुआ किसी ने, जेलस होने वालों को होने दो, अल्लाह आपको कामयाब करे, खुश रहो, आमीन। थैंक यू सो मच, आमीन, अल्लाह आपको भी खुश रखे। अब ये तुम पढ़ लो, हमारा भी हिस्सा है इस 1K में। वेल कॉन्ग्रेट्स, थैंक यू सो मच जी, जो जो हमें सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा तो उस फ्रेम की लास्ट लाइंस मैंने इसलिए नहीं दिखाई थी, और उसमें बस ये लिखा हुआ था कि मैंने अपनी आईडी लिखी हुई थी जो मेरी इंस्टाग्राम में रिजी एक्स नसीम लिखा हुआ था, और लिखा हुआ था स्टे हैप्पी शाइनिंग स्टार, बस ये था और कुछ भी नहीं था। वो इसने आईडी थी तो जैसे इसने दिखाया नहीं। खैर फेवरेट मैच ऑफ बाबर एंड नसीम, फेवरेट मैच ऑफ बाबर एंड नसीम, बाबर का तो ये बताया गया नसीम का, या चलो जिसका भी, बाबर का 152-0 ऑब्वियसली सबका 152-0 बाबर का, या वो वाला, और एक वो जो सेंचुरी थी उसकी बाबर गेट्स वो अरूज मुमताज वाली कमेंट्री के साथ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो उसने की थी, बाबर नीड्स 3 डज बाबर गेट इट वाली। और नसीम का तो अफगानिस्तान के खिलाफ जो मेरे तो बहुत सारे मैचेस ऑब्वियसली, फाइफर जिसमें नसीम ने किया था, एक जो न्यूजीलैंड के खिलाफ, हाँ न्यूजीलैंड के खिलाफ था, एक नीदरलैंड के खिलाफ वो वाला 2 छक्के चौके और वो हैट्रिक वाला, बस मेरी ये फेवरेट मैचेस हैं। के सारे मैचेस ही हो गए, माशाल्लाह कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। नसीम ने आपसे हाथ मिलाया था तो क्या बाबर ने भी मिलाया था? आपने उनको कहा था हाथ मिलाने को? नहीं, मैंने बाबर आजम से कहा ही नहीं था क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी इस वजह से मैंने हाथ नहीं मिलाया। फर्स्ट टाइम था ना? हाँ फर्स्ट टाइम था, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। कंग्रेचुलेशंस आमू, मैनी मोर टू कम इंशाल्लाह। क्रिकेटर फैन गर्ल, ये मेरी दोस्त है मुझे और इसका फैन मुझे बुरा नहीं मानेगी, थैंक यू सो मच क्रिकेटर फैन गर्ल, थैंक यू सो मच। आगे पढ़ना ये वाला क्वेश्चन, ये कौन सा ये वाला, ये मुझे का लगा, ये मुझे, हु इज मुकद्दस, ये हमारे जो पीछे बैठी यार, ये मेरी कज़न है, मेरी चाचू की बेटी है, बट हम सब साथ रहते हैं तो ऑब्वियसली बहने हैं, हम बहन है मेरी। अब ये पढ़ती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपके यूट्यूब पे 1K सब्सक्राइबर्स हुए हैं माशाल्लाह, और अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे, थैंक यू सो मच, आमीन। और कॉन्ग्रेचुलेशन सिस्टर, 1K ट्रीट तो बनती है फिर। चलो यार किधर देनी है ट्रीट, चलो यार सब चलते हैं, चलो यार सब चलते हैं, बट पैसे आपके। राजा जी पैसे आपके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। और ये पढ़ना, ये क्या नसीम करीब से ज्यादा प्यारे हैं, उनकी आंखें कैसी हैं? यार मैंने तो इतना गौर से नहीं देखा, बस चल झूठा क्या है, ठीक है, ठीक ठाक है, ठीक है यार, प्यारे अच्छे हैं, प्यारे नहीं मतलब ये नहीं बोलो ठीक ठाक है भाई, लड़कियां भी हो जाती है, नहीं यार प्यारे हैं, लाइक यार बंदे को मेंटेन करना आना चाहिए, उन्होंने मेंटेन किया हुआ है तो वो प्यारे है। अच्छा, योर फीलिंग्स व्हेन यू मीट नसीम शाह, या तुम योर फीलिंग्स व्हेन यू मीट नसीम शाह, यार बहुत अच्छी फीलिंग्स थी। कैसा ही लगता है आपको जब आप अपने मतलब एक जिन बंदे के आप फैन हो, जिस बंदे को आप अडोर करते हो, और जो आपका आइडियल हो, आपका आइडियल हो, उसके से आप जब पहली बार मिलते हो, जिसका आप इमेजिन करते हो मिलने का, सोचते हो, उनसे आप मिलते हो, तो
एक बहुत अलग फीलिंग होती है, बहुत खुशी होती है और काफी एक्साइटमेंट होती है. कांग्रेचुलेशंस ब्रो, मेनी मेनी मोर केयर्स टू कम इंशाल्लाह. ये मेरी कजन है ज़ारा. थैंक यू सो मच ज़ारा. किसी ने लिखा है आप रिजवान की उतनी ही बड़ी फैन है जितनी आप नसीम की हैं. ऑब्वियसली यार, मतलब मैं तो पूरी पीसीटी की बहुत फैन हूँ, रिजवान की भी बहुत बड़ी फैन हूँ. मैंने बेसिकली क्रिकेट देखना रिजवान की वजह से शुरू की थी. मैंने मतलब सही तरह जो क्रिकेट देखना शुरू की थी वो रिजवान की वजह से शुरू की थी. मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत ज़्यादा. अच्छा, अब 1K का सफ़र. 1K का सफ़र कुछ यूँ था कि हमने कभी नहीं सोचा था हमने व्लॉगिंग करनी है, या हमने मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि हमारे इतनी जल्दी 1K हो जाएंगे. और हम इतना सोशली कभी हुए भी नहीं. बट हमें शौक था कि यार व्लॉगिंग है कुछ ऐसा करें कि मतलब लोग पसंद करें उस चीज़ को, ऐसा कंटेंट कभी अगर स्टार्ट करें. तो हम लोगों ने ये सोचा था कि हम जब भी स्टार्ट करें, अगर करें एक बहुत अच्छी चीज़ से ट्राई, मतलब धमाकेदार कंटेंट हो, जो कंटेंट लाएंगे मतलब ताकि लोग देखें, पसंद करें हम. लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा पता है आप, हर चीज़ में मेहनत होती है. तो बहुत टाइम से था तो मुझे पता था कि लड़कियां कितना क्रिकेट को पसंद करती हैं, अगर हम ऐसा एक कॉन्टेंट लाएंगे तो वो देखेंगी. तो मतलब मेरा तो बहुत टाइम से फ़ैन पेज था तो मुझे पता था. लेकिन जब हमने मतलब जैसे शाहीन के वलीमे पे जब हमारा पहला व्लॉग था, हमने उस दिन सोचा, हम जाने से पहले मतलब एक दिन पहले तक तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम लोग व्लॉगिंग वगैरह हम वैसे तो इंस्टाग्राम पे मतलब शॉर्ट व्लॉग बना के डालते ही थे, लेकिन उसके लिए हमने क्लिप्स बना रहे थे. लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं यार, इसका व्लॉग बनाते हैं, इसका व्लॉग बना के डालते हैं, इस पे व्यूज आएंगे. अगर हमें पता था इनविटेशन का, तो हम फिर हमने उसी वक्त सोचा, उस दिन मतलब सोचा हमने कि हम व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, उसका व्लॉग बनाएंगे. बट फिर भी मतलब उसका उस तरह व्लॉग नहीं बना सके थे प्रॉपर, जैसे साथ बोल रहे हैं और या कुछ भी, क्योंकि मतलब एक तो सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा थे और जाहिर है मतलब थोड़ा बंदा नर्वस भी होता है. तो नहीं, हमारा पहला व्लॉग था तो हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि हम वीडियोस बनाए, वीडियोस बनाए, सारा कुछ रिकॉर्ड करें. हमने जितनी हमारे उसमें था हमने कोशिश की कि हम रिकॉर्ड करें. के बाद जाहिर सी बात है हर चीज़ में मेहनत लगती है, हर चीज़ में आपको हार्डवर्क करना भी पड़ता है. तो हमने उसके बाद हमें इतना आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मेहनत लगेगी. सब कहते कि स्टार्ट तो कर रहे हो लेकिन अब इसको ये मायूस ना हो जाना, क्योंकि इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होता. आहिस्ता हमने बट अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हमारे, और व्यूज़ भी आए, सब ने बहुत अच्छा रिस्पांस भी किया. मतलब हम वो करते, हम मैच की व्लॉगिंग करते थे मतलब कि हमने वर्ल्ड कप में हमने सारे मैचेस रिकॉर्ड करके लगाए. उसके बाद जब हम बाबर आजम से मिलने गए, मुझे तो लगता है उसमें हमारी सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है भाई. कि पहले बाबर आजम तक पहुँचना, उसके बाद वहाँ जाके उनसे मतलब पूरा कॉन्टेक्ट वगैरह करना, मिलना बाबर आजम से मिलना, और उसके बाद शाहीन आफरीदी, मतलब वो सारा एक बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो ये मेहनत भी होती है, जाहिर है आपको अपनी मतलब उनके लिए वेट करना है और सारा कुछ के, तो थोड़ा डर भी होता है, ये सब कुछ भी होता है. तो ये मेहनत है. आप पे जाओ, वहाँ जाके आप पहले फिर उनको ढूंढो, मतलब आप किसी से कॉन्टेक्ट करो कि हमें इनसे मिलना है, तो हम यूं करें उसके लिए फिर एक बहुत वो, तो ये हमारा हार्डवर्क है और हमारी मेहनत है ये. उसके बाद लेकिन फैमिली बहुत सपोर्टिव है, इसलिए सब कुछ हो सका है. फैमिली ना होती तो शायद मतलब भाई सपोर्ट ना करे, फैमिली मामा बाबा ना करें, मतलब जो हम फ्रेंड्स हैं आपस में, कजन्स, हम एक दूसरे को सपोर्ट ना करें, हम एक दूसरे के साथ ना हो, तो फिर ये कैसे हो सकता है. तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, वन वर्ड फॉर, मतलब लिखा हुआ है वन वर्ड फॉर किंग बाबर. पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊँगी वन वर्ड द किंग बाबर. बादशाह. जवाब यह था बादशाह. किसी ने पूछा आपकी एज, अब वो ये मुझे नहीं पता, तुमसे पूछा पहले, तुमसे ही पूछा होगा, धोखा डाला मैंने. यार मेरी एज है 15, बेफॉर्म लेकर. किसी को यकीन ही नहीं आता, सब कहते हैं कि यार ये स्कूल की नहीं लगती, बट यार मुझे रियलिटी में देखो तो मैं छोटी ही लगती हूँ. मैं वो पिक्चर्स और यू नो वीडियोस में बंदा इस तरह लगता है. आपने नसीम की भाभी को देखा है? और देखा है तो बताओ कि किसी ने. यार मैंने उनकी भाभी को नहीं देखा, हमने उनकी फैमिली में, हमने उनके सिर्फ भाइयों को देखा था. यूट्यूब स्टार्ट करने का किसने बोला था?
सब ज्यादा आपको डर और नर्वस ही होता है यार, कोई देख पसंद करेगा या नहीं करेगा, फर्स्ट स्टेप ही मुश्किल होता है। हाँ, यही मुश्किल होता है। डिड ने लिखा है, ये कैसी है आप, मैं आपके व्लॉग्स देखे, मुझे बहुत पसंद आया, आप बहुत अच्छी हैं और आप बहुत लकी हैं, थैंक यू सो मच। उसने तीन लिखे हुए, इतने प्यारे क्यों हूँ, बस यार आपकी आईज प्यारी है। उसने नसीम जगह, उसने मुझे बोला इतने प्यारे क्यों हूँ नसीम, और नसीम स्प्लेंडेड ने लिखा है, नहीं ये लिखा हुआ है देख लो, नसीम स्प्लेंडेड ने लिखा, और एक और लिखा हुआ है लव यू सो मच, लव यू टू यार। किसी ने लिखा हुआ है आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, मैं 9th क्लास में, 15 ईयर्स के तो ऑब्वियसली 9th क्लास में। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान देखो यार वैसे तो मैं पूरी पीसीटी के फैन हूँ, लेकिन बाबर आजम, बाबर की और बात है, बाबर आजम कम्स फर्स्ट, बाबर आजम, बाबर आजम ऊपर पिंड है उसके बाद सारे आते हैं। आप कौन सी सिटी से हो, हम रावलपिंडी से हैं यार। सिटी सिटी, आप कौन सी सिटी से हो, इंस्टाग्राम यूट्यूब और टिकटॉक यार ज्यादा हम लोग ऑब्वियसली सब इंस्टा ही यूज करते हैं, तो इंस्टाग्राम। क्वेश्चन पूछा मैं, व्हाट्स योर हाइट, ये इसकी मेरी छेड़ है यार, मुझे बहुत इस तरह करते हैं देखो, हालांकि यार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ऊंची है ये बाजी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एज के हिसाब से मेरी हाइट ठीक है। तो आप शाहीन के वलीमे पर कैसे गई थी, पता नहीं यार, गाड़ी पे गए थे, और रास्ते से पिंडी से इस्लामाबाद गए थे तो पहुंच गए थे यार। बाबर आजम से अब कब मिलेंगी, और कितने क्रिकेटर्स रहते हैं यार, क्रिकेटर्स तो बाबर से मिलना है, बाबर आजम रोज दावत जरूर कर, दावत थोड़ी कर बाबर भाई दावत करेंगे तो मैं जाऊंगी बस, अब एटीट्यूड में एटीट्यूड है मेरे में। और कितने क्रिकेटर्स तो बहुत सारे रहते हैं, बस दुआ करो, एक तो मेरे फेवरेट क्रिकेटर रहते हैं उनसे मैंने मिलना है, नाम नहीं मैं लूंगी, वो मेरे बहुत फेवरेट क्रिकेटर है और बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद है, उनको आपको भी पहचान ही नहीं सकते आपको वो बाबर और नसीम की लोकेशन कैसे पता लगी, किस्मत से यार। एक दोस्त है उसने लिखा है आप इतनी शोखी क्यों है, ये मेरे साथ स्कूल में पढ़ती है, किसी ने लिखा हुआ है उनको शर्म नहीं है इनको मैं स्कूल जाकर बताऊंगी, नसीम के घर के साथ वाला घर क्या फजर कादिर का है, पता नहीं यार मुझे फजर कादिर नजर नहीं आई भाई लेकिन मुझे नहीं लगता वो फजर कादिर का है, कुछ लोग कहते हैं कि वो फजर, इफ यू गाइस डोंट नो हु इज फजर कादिर, तो वो उनके कोच की बेटी है, छोटी बेटी है वो, क्यों नहीं बताया। कांग्रेचुलेशंस आमना, आपके 1 के सब्सक्राइबर हो गए जो फाइनली है फाइनली, और अल्लाह आपको कामयाब करे, थैंक यू सो मच। वट डू यू थिंक अबाउट जका अशरफ लीक वीडियो, नो कमेंट, खुश रहो शहजादे। आमना नसीम से नंबर लिया, हाँ यार मुझे तो नंबर देने के लिए बैठे हुए थे वो, कि आमना आप आए मैं आपको नंबर दूँ। हारिस से कब मिलेंगी, जब इंशाल्लाह हारिस वापस ओके okay, किसी ने लिखा हुआ कांग्रेचुलेशंस और योर 1 कांग्रेचुलेशंस ऑन योर 1 के सब्सक्राइबर्स, आप नेक्स्ट कब मिलोगी पीसीटी से, उनके साथ 1 के सेलिब्रेट करना, खुश रहो शहजादी यार ऐसा नहीं हो सकता, बट वो बिजी लोग हैं। किसी ने लिखा है क्या आप नसीम के इशा के घर के अंदर भी गए थे, मींस नॉट जस्ट गेट में बट पूरा घर के अंदर, नहीं यार हम अगर जाते तो हम वीडियोस वगैरह ऑब्वियसली डालते, बस गए थे हम गेट के अंदर गए थे बट पूरा अंदर नहीं गए थे। एक अननोन लड़की ने पूछा, नाम इसका अननोन लड़की है, ये वही लगता है, नसीम से कोई शर्ट वगैरह नहीं मांगी, नहीं यार ये दुख, ये वो दुख है ना कि मैं बता नहीं सकती कि मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल गया, लेकिन यार नसीम की एक शर्ट है मेरे पास ऑलरेडी है बट बट हमें मतलब चाहिए थी कोई नई, लेकिन वो भी मतलब पिछले साल के, बट नसीम शाह और बाबर आजम के घर का एड्रेस बता दे, ये लो यार। किसी ने क्वेश्चन पूछा है आप इंडिया वालों को इतना हेट क्यों करती हो, यार मैं हेट नहीं करती कसम से, मैं किसी को कोई भी तो कर रहा है लेकिन हम हेट नहीं करते, हम मजाक कर रहे हैं, मैं उनको तंग करती हूँ सिर्फ, मैं उनको जिनके साथ सिर्फ, मुझे पता है ना मुझे कमेंट सेक्शन में वो पिक्चर दिखते हैं मुझे, फिर मैं उनको और तंग करती हूँ अगले व्लॉग में, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है कसम से, मैं सिर्फ उनके साथ मजाक करती हूँ। और किसी ने लिखा हुआ आप कैसे मिलती हैं क्रिकेटर्स से, उनका एड्रेस कैसे पता चलता है आपको, यार मिलती कैसे हूँ मैं बताती हूँ ना, मैं सिर्फ लक से मिलती हूँ, मेरा कोई किसी के रेफरेंस से नहीं जाती मैं,
मैं बस अपनी किस्मत समझो, मैं अपनी किस्मत आजमाने जाती हूँ, मैं जाती हूँ और वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कुछ कम समटाइम्स किस्मत इतनी अच्छी चल रही होती है कि मैं मिल लेती हूँ. आई एम फ्रॉम इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, मुझे भी पीसी टी से मिलना है. लव फ्रॉम रावलपिंडी. इसने भी कश्मीर का कहना. आ जाओ आ जाओ पिंडी में. आ जाओ आ जाओ मिलवाए. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दीज क्वेश्चंस. हमने आपको बता दिए कि हम किस तरह मिले थे, हमारे 1K का सफ़र क्या था, और जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे हमने उसका आपको आंसर दिए हैं. डू लाइक शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब. अल्लाह हाफिज़.